की यही कहानी, ना बिजली ना पानी, ना बिजली ना पानी। बिजली और पानी ना होने की वजह से पूरे जम्मू प्रांत में हाहाकार मचा हुआ है और प्रशासन जो है वो आंखें मूंदे हुए है। भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े वादे लोगों के साथ किए थे, अच्छे दिन लाने के वादे किए थे और तमाम सुविधाएं लोगों को मुहैया करवाने के वादे किए थे, लेकिन जितना कष्ट लोगों को भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में लग रहा है, इतना आज तक कभी भी देखने को नहीं मिला। जो बिजली का पैसा है, पानी का पैसा है, वो लूटा जा रहा है और उसका फायदा लोगों को नहीं मिल रहा है। बिजली डिमांडमेंट, बिजली डिमांडमेंट। अरे ये आज का प्रोटेस्ट बिजली डिपार्टमेंट के खिलाफ है। अरे टेम्परेचर देखो बाहर कितना है, और कहते हैं घर के अंदर रहो, बाहर नहीं आओ, और तुम बिजली ना दे पाओ। और जब श्रीमान गवर्नर साहब ने बड़ा स्पष्ट करा, एक ट्रांसफार्मर खराब होगा 24 घंटे के अंदर लगाओ। अरे आप 12 घंटे तो कट लगा रहे हैं। माननीय उपराज्यपाल जी, आप अच्छी हिदायत देते हैं लेकिन नीचे लागू नहीं होती है। इस इतने बड़े टेम्परेचर के अंदर लोग घर के अंदर कैसे टिकेंगे? ये कोरोना बढ़ेगा अगर बिजली नहीं आएगी। ये 2-3 लोग जो हैं बिजली डिपार्टमेंट को ख़राब करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको इधर से उधर कर दो, तब तक ये राहत आने वाली नहीं है। बिजली होगी तो लोग घरों के अंदर रहेंगे, बिजली नहीं होगी लोग घरों से बाहर आएंगे, कोरोना ज़्यादा फैलेगा। इसलिए आपसे अपील करना चाहता हूँ, बिजली डिपार्टमेंट के वो गंदे लोग जो बिजली के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करने का प्रयास करना चाहते हैं, पैसे पूरे ले रहे हैं, बिजली नहीं दे रहे, उनको उठा करके बाहर फेंको। बिजली डिपार्टमेंट, हाय हाय। बिजली डिपार्टमेंट, हाय हाय। बिजली डिपार्टमेंट, हाय हाय।